हेलो गाइस, कैसे हो? आपका दोस्त सलीम खान। गाइस, आज आपको हम बताएंगे कि 16 एम्पियर जो स्विच होते हैं उसे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और उसके अंदर जो इंडिकेटर होता है ये देखिए, तो उसके कनेक्शन इसमें किस तरीके से बांधने चाहिए और किस तरीके से स्विच में से 5 पिन पे कौन से पॉइंट पे इसके कनेक्शन लगाने चाहिए। तो गाइस, आपको आज हम इसमें सब कुछ बताएंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारे पास 20 एम्पियर का 20 एम्पियर का स्विच है और 20 एम्पियर का हमारे सॉकेट है। अब इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं आज हम इसमें सब कुछ बताएंगे। स्विच पे से कौन सी इसके अंदर क्या होता है गाइज, एक एल एन होता है। आपने देखा हो 3 पिन टॉप पे भी एल होता है और इस पर 5 पिन सॉकेट पर भी एल एन होता है। तो इस पर हमें स्विच पे से कनेक्शन कौन सी जगह पे देने हैं और किस तरीके से देने हैं, तो वो हम उसको इसी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए गाइज, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमने इसके कनेक्शन कर रखे हैं। तो ये देखिए गाइज, इसके अंदर दो इंडिकेटर के तार दिए गए हैं। ये इंडिकेटर है इसके अंदर। अब हमें इस इंडिकेटर को डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें इंडिकेटर को जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तब ये हमें इसे ऑन करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा गाइज, ये देखिए दो इंडिकेटर के तार हैं हमारे। एक इंडिकेटर तार हम इस स्विच के साथ बांध देंगे, इस सॉकेट पर लगा देंगे हम। और इसका जो फेस है ये देखिए, इस पर कभी भी अगर आप लुक लगा रहे हैं, अगर आप पावर प्लग के कनेक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस पर जो पावर प्लग कनेक्शन करना है आपको, तो इसमें जो डोरी का इस्तेमाल करोगे 2.5 mm की डोरी का इस्तेमाल करना। अगर 2.5 mm के कनेक्शन आपके पड़े हुए हैं और अगर 1.5 के पड़े हुए हैं तो 1.5 के करना, 1 mm के कनेक्शन मत करना, क्योंकि ये आप लोड चलाएँगे और ये पटक जाएगी। तो अगर आपकी वायरिंग 2.5 mm की आ रही है तो आप 2.5 mm की ही लुक डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए, हमने इस स्विच में से देखिए, यहाँ पर देखिए ये L है और ये N है। तो हमेशा चाहिए स्विच आपका इधर लगा हुआ हो इस साइड में और चाहे इस साइड में लगा हुआ, तो हमारे स्विच पे से जो कनेक्शन जाएगा गाइस वो L पे जाएगा। जैसा हमारा फेस, हम मेन बोर्ड से फेस भेजते हैं और फेस जैसे इसमें आएगा, तो हम इससे अगर स्विच ऑफ कर दें तो हमारा फेस कट जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, हम हमेशा फेस एल पर ही देंगे, चाहिए इस साइड में आए चाहिए इस साइड में आए, और एन पे हमारा न्यूट्रल रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब ये जो इंडिकेटर है, दूसरा तार है, तो हम जैसा कि न्यूट्रल तार बांधेंगे ब्लैक कलर का, तो ये एक तार हम इसके साथ बांध देंगे और फेस हमारा इस पर लग जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से सही कनेक्शन किए जाते हैं। तो गाइस, आज भी अगर आप अपने घर पर स्विच लगा रहे हैं और सॉकेट लगा रहे हैं, तो ये एल एन का हिसाब ज़रूर देखें और लुक 2.5 mm की, अगर 2.5 mm की वायर पड़ी हुई है तो 2.5 की डाल लें और 1.5 की पड़ी हुई है तो 1.5 की डाल लें। और फेस हमारा फिर जब जैसा ही इसमें फेस आएगा, हम जैसा ही स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा ये फेस कट जाएगा। होता क्या है, दो एक कलर के तार डाल दिए हम लोगों ने, उसमें हमें फेस का ही नहीं पता कि हमारा फेस कौन सा रहा कौन सा नहीं। तो फेस हमेशा ही स्विच पर लगना चाहिए, हमने स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा फेस सॉकेट से कट जाएगा। इससे बच्चा कोई उंगली दे रहा है तो उससे भी जान बच जाएगी इसकी। इसमें थोड़ा बहुत बाजी बार हल्का सा अर्थिंग आ जाता है, लेकिन फेस नहीं आएगा। तो ये कनेक्शन बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसका ध्यान से कनेक्शन करें। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगली बार।